कलेक्ट्रेट ऑफ जिला मजिस्ट्रेट पार्व जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आनंद चतुर्दशी और मिलान उन नबी त्योहार के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी लोगों से आगामी त्योहारों को शांति और सद्भाव से मनाने की अपील की गई। बैठक में जिला कलेक्टर पार्व जायसवाल, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, विक्रम सिंह, एडीएम मिलान, सभी समुदायों के नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सीएमओ को निर्देशित किया, तो वहीं अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज जिला स्तर की शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें हमारे प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी और उसके अलावा जितने हमारे सामाजिक संगठन है, सभी लोग मौजूद थे। आगामी जो हमारे त्योहार आने वाले हैं, अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, उसके अलावा जल समारोह भी एक आयोजित किया जा रहा है, उन सभी मुद्दों के ऊपर गहन रूप से चर्चा हुई है। सभी संगठनों से भी अपील की गई है कि सब लोग आगामी त्यौहार को बहुत अच्छे से शांति से मनाइए और सब लोग को, पूरे जिले के वासियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आज शांति समिति की बैठक थी ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी को लेकर के, और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और पॉजिटिव रूप में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य रूप से यही रहा है कि ईद का त्यौहार और उसका जुलूस और उसका स्वरूप क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा की। मुस्लिम समाज के जो लोग थे और उनके साथ में अन्य समाज के लोगों ने भी अपील की कि सभी भयमुक्त वातावरण में और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। उसके बाद अनंत चतुर्दशी को लेकर के भी यही चर्चा हुई, तो किस प्रकार से विसर्जन होना है गणेश भगवान का, उसको लेकर के चर्चा हुई और उसके भी अच्छे हल निकल करके सामने आए हैं। अंत में ये विषय भी सामने रहा कि सोशल मीडिया पर कभी कभी जिस प्रकार से अफवाहें आ जाती हैं या एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलाने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो उसको लेकर के भी सभी लोग सजग रहेंगे। कोई इस प्रकार से करेगा नहीं, और करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन और पूरा समाज मिलकर के आने वाले सभी त्योहारों को बहुत ही हर्षोल्लास से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए।